ये है कि 50 मेरा और 50 मेरे भांजे का, देखते हैं भाई मेले में कितना मजा कर पाते हैं 100 रुपए में, तो चलते हैं अंदर। राम राम भाइयों, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले भाई मैं लूंगा भोलेनाथ का नाम। आज का व्लॉग करते हैं भयंकर, बोलो जय शिव शंकर। और जैसा कि आप देख सकते हो आज मेरे साथ में है मेरा नेफ्यू, और आज का प्लान बड़ा उल्फते जहर होने वाला है भाई। आज चलते हैं नुमाइश, और नुमाइश का क्योंकि मेला लग चुका है, क्या और ना भाई, लग चुका है ना मेला, मेला पूरा बेहतरीन लग चुका है। तो चलते हैं मेले में और दिखाते हैं अमेजिंग फैक्ट्स मेले के, कैसा क्या है सारा कुछ अपडेट बना दिखाते हैं आपको। तो बने रहें ब्लॉग पे, और जो भी आगे अपडेट होता है आगे देते हैं चल के आप लोगों को। और एक थीम भी सोच के रखा है मेले का, तो वो थीम भी अप्लाई करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, जैसा भी लगे तो कमेंट में अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक करें। और इस समय इस रोड का निर्माण चल रहा है, और निर्माण चल रहा है इसी कारणवश यहाँ पर इधर ट्रैफिक भी काफ़ी लगा पड़ा है, जैसे ये डंपर खड़े हैं और पीछे पुलिस की गाड़ी निकल रही है। और इस समय हम लोकेशन बता दें आपको, तो इस समय हमें गोलबाग कॉलोनी में है, यह है गोलबाग कॉलोनी। और वैसे हमारे नियमानुसार तो ये पहली कॉलोनी है, बट गवर्नमेंट के नियमानुसार ये चौथी कॉलोनी है, क्योंकि हम बचपन से ही इसी कॉलोनी से स्कूल गए हैं। तो इसीलिए मैं इसको अरे ये तो यार शायरी वाले हैं यार। अरे भैया अरे भैया भैया सब्सक्राइबर मिल गए हमको हमारे, बड़ा हमको दिल से खुशी हुआ बड़े भाई। हाँ थोड़ा डैमेज है भाई, भाई बड़ा अच्छा लगा, अच्छा खुशी, इतनी खुशी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इधर भी हॉर्न बजा रहे हैं ऑटो वाले भैया, टी 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 टी, क्यों भैया तो शायरी बनाते हैं। तो भैया काफी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, भाई नाम बता देना एक एक बार। आयुष, अर्जुन, सैंकी, भाई बड़ा मजा आया, आगे का अपडेट आगे देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फाइनली दोस्तों आ चुके हैं हम नुमाइश चौराहे पर, और यहीं से नुमाइश का आगाज हो जाएगा भाई। अंदर चलते हैं, अंदर नुमाइश में मंदिर है, मंदिर से भाई स्टार्ट करेंगे नुमाइश मेले का पूरा जर्नी। और आज एक थीम रखा है, आगे बताते हैं मंदिर में आप लोगों को क्या थीम रखा है, बने रहे ब्लॉग पे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था शुरुआत करेंगे ब्लॉग की मंदिर के अंदर, और पुजारी जी हैं, पुजारी जी राधे राधे। तो हरदोई वासियों से क्या कहेंगे, जो हरदोई के आसपास रहते हैं उनसे क्या कहेंगे कि हरदोई में बड़ा मेला लग गया है और बड़ा मेला, और नुमाइश देखने आइएगा। तो फिर यहीं से हम शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। और आज का थीम मैंने बोला था मंदिर में, मैं बताऊँगा क्या थीम है आज का, तो स्टार्ट करते हैं, वो थीम क्या है बताते हैं आपको। तो आज का थीम ये है कि 50 मेरा और 50 मेरे भांजे का, देखते हैं भाई मेले में कितना मजा कर पाते हैं 100 रुपए में, तो चलते हैं अंदर। अभी मजा आएगा ना भाई, मेले का रात में लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल जगमगा जाता है, मजा आ जाता है एकदम। हाँ भैया इधर शांति से बैठते हैं, क्या हुआ भैया, क्रिक क्रिक नहीं हो रहा है क्या, क्यों बड़े भैया? कोई बात नहीं, भोलेनाथ की कृपा आएगी, आपकी पैसा ही पैसा होगा भाई, आगे चलते हैं। आगे काफी दुकानें लगी हैं, काफी मैं कुछ दिखा चुका हूँ। तो सबसे पहले पूछते हैं भेलपुरी भैया का कितना क्या है, देखते हैं कितने का देते हैं, और 100 में से माइनस करते हैं भैया कितने का है भैया भेलपुरी। 100 ग्राम 40 रुपए नहीं, सबसे सस्ता बता, सबसे सस्ता बता, 10 रुपए किलो। टेस्ट भी तो करके देखें भाई, क्या बवाल की। हेलो, तो भैया सबसे पहले लेते हैं भेलपुरी। अब भैया मेकिंग कर रहे हैं, मेकिंग हो चुका है ना भाई का, हो चुका है, पहले बना चुके हैं भैया, तो देखते हैं कितना क्या। तो भाई 100 रुपए में से 10 रुपए माइनस कर दिए, 90 बचे हैं हमारे पास, तो भेलपुरी का टेस्ट लेते हैं। कैमरा पकड़ो यार। तो भैया भेल, तो भैया भेलपुरी टेस्ट करते हैं कैसा क्या, ऊपर का। सही है, काफी सही है, खा के देखो बेटा, बताओ फिर कैसा आपको लगे, टेस्ट बताइएगा। थोड़ा लो तो यार, थोड़ा ज़्यादा लो, बताओ कैसा लगा। अच्छा है, अच्छा है भाई। हाँ, ज़्यादा स्पाइसी यार बना दी हो भाई, या स्पाइसी होती है भेलपुरी, स्पाइसी होती है। तो भैया का कहना ये स्पाइसी ही होती है, तो भैया का पेमेंट करते हैं फिर चलते हैं आगे। मज़ा आया, तो ये हमको यूनिक चीज़ दिखा इधर, वैसे हम देखते थे लच्छू में बुड्ढी का बात।
और ये गुड्डी का बाल इसमें पैकेट है, पैक्ड है भाई, नुमाइश में यूनिक चीज़ है, आओ और खरीदो आके गुड्डी के बाल, जिसे बोलते हैं कॉटन कैंडी इंग्लिश में भाई। आगे बात इधर हमको देखने को मिले मीठे बिस्किट, क्यों मीठे ना, कैसा क्या दे रहे हो बाबा? सबसे सस्ता बताओ, हमको टेस्ट करना है केवल 40 रुपये भाई, बड़ा एक्सपेंसिव बता रहे हैं बाबा। मैं गरीब हूँ। तो भाई आपने नाम सुना होगा ना हापुड़, जब दिल्ली जाओ 20 में पड़ता है, हापुड़ का मशहूर पापड़ है यहाँ पे, तो भाई से पूछते हैं कितने का क्या है और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा क्या है। भैया ओ भैया आ जाओ, कितने का क्या है भाई? 15 रुपये का एक है, ऐसे नहीं लाएंगे, रुपए देंगे 10 भाई। तो भाई चलो 10 में भाई ये एग्री हो गए हैं, तो देखते हैं इनका पापड़ कैसा है। पापड़ मस्त है भाई, मस्त है पापड़ आपका, मजा आया। तो पापड़ मस्त लगा और यहाँ पे भी मेरे 10 माइनस हो गए भाई, तो 90 में से 10 चला गया, 80 बचा भाई, तो 80 में देखते हैं और क्या मजे कर पाते हैं। तो भाई मिल चुके हैं हमको हमारे मित्र, जो चाइल्डहुड मित्र थे, शिवम, आगे क्या पवन कुमार, अरे पवन कुमार भाई, छोटे से हिंदी नाम है यार, भूल गया। और भैया बेबी भी उनका साथ में है, हाय करो, हाय सीताराम करो, सीताराम जय श्री राम, हाथ जोड़ जय श्री राम। तो भैया उसको गोला वोला खिलाते हैं, चल के चलो देखते हैं, बर्फ का गोला खाओगे? बर्फ का गोला खाओगे? वीडियो बनने के तो हाँ खाओगे, बर्फ का गोला नहीं, समोसा खाओगे? तो क्या खाओगे? कुछ भी नहीं। गाड़ी भाई भाई भैया बहुत मना कर दिया, मतलब पवन जैसा ही जिद्दी है, जैसे पवन पे बोलो भैया कुछ खाओगे, पवन भी मना कर देते हैं नहीं। तो चलते हैं आगे झूले के पास, देखते हैं झूले पास क्या होता है, क्या होता है भाई झूले पे। भाई इधर देख लो, दिन लग रहा है, रात को दिन बना के रखा है हरदोई वालों ने, इधर मेला ही नहीं खत्म हो रहा है। दादा दादा बड़ा मुस्कुरा के देख रहा है सामने वाले, दादा इधर साइड में बैठे हैं दादा। तो एक्चुअली पहले लगा था भाई, क्या लगा था? युवा महोत्सव, फिर उसके बाद लगा अपना हरदोई महोत्सव, फिर उसके बाद अपना जो 25-30 सालों से लगता चला आ रहा है भाई हरदोई नुमाइश। देख लो भाई, रात को दिन बना के रखा है भाई हरदोई वालों ने। अब दिखाते हैं यहाँ पे झूले का पूरा सिनेमैटिक व्यू कैसा क्या है, तो बने रहे व्लॉग। तो नुमाइश में आ चुके हैं और जाइंट विल के पास में है, जाइंट विल है और बीच में लगा है ब्रेक डांस और सबसे लास्ट में लगा हुआ है
नाव वाला झूला, उसका दिखाते हैं वीडियो कैसा क्या लुक नजर आ रहा है रात में, बने रहे ब्लॉग। दृश्य होगा, देखिएगा आप लोग, बने रहिए ब्लॉग। धन्यवाद भाई ने टिकट लेके दे दिया, मना करने से देखते हैं ऊपर क्या होता है भाई। तो भैया दादा ने प्रवेश दे दिया है यहाँ पे, टिकट लेके भाई जा रहे हैं। इस बार फ्री में नहीं झूलने को मिला है, वैसे युवा महोत्सव में और हरदोई महोत्सव में फ्री में झूलने को मिला था, जिसमें हमको फ्री में झूलने को नहीं मिला है। अब देखते हैं ऊपर क्या होता है, कैसा क्या मंजर होता है। भैया पहले उधर साइड में लगा था झूला, और इस बार भैया दादा इन लोगों ने इधर साइड में झूला लगाया, हमको डरवाए नहीं भी यार। इधर बैठ जा, उधर बैठ जा भाई। तो भैया बोल रहे हैं उधर बैठ जाओ, तो ये वाला सीट ग्रहण करते हैं भैया, इसमें देखते हैं कैसा क्या होता है, जादू वादू तो नहीं है। तो बैठ गए झूले पे, अब यहाँ की राइड करते हैं, फिर आएगा थोड़ा मजा। तो भैया झूला पहली बार नहीं है, ऊपर चलाने लगे हैं दादा। अच्छा लग, काफी अच्छा लग रहा है, क्यों न, कैसा लग रहा है? अच्छा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और अभी भी हमारे पास कितना रुपया बचा है? 70 बचा है, 30 रुपया खर्चा किया ना हम लोगों ने अभी। और झूला मिल गया हमको झूलने को भाई, टॉप फ्लोर पे बैठा दिए, सीधे टॉप पे भाई, अमेजिंग, कितना अमेजिंग लग रहा है, देख लो भाई व्यू। और ये हरदोई की नुमाइश लगी हुई है, काफी मस्त है, काफी मजेदार है भाई। बड़ा डरवाए हमको दादा, ये यहाँ से उतर गया भाई, काफी डर लगा भैया, बड़ा डरा ही गया। अब चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। कौन सी दादा सुखी है? एक ही है भैया, वनीले है। भैया वनीले खिला दो, काफी देर हो गया यार, डरा ही गया, सुखी खाई खिलाओ।
तो यहाँ से जो व्यू है भाई, हमारे आंखों से जो दिखाई दे रहा है सामने, बड़ा वाला जाइंट व्हील लगा हुआ है, दिखाते हैं ये देखो बड़ा वाला जाइंट व्हील पीछे लगा हुआ है, और लोग गिराते हैं इसमें और फिर भी लोग बैठते हैं और रुपया देते हैं भाई, बड़ा मज़ा आता है। सोटी खाते हैं और देखते हैं सोटी खाने के बाद हमारा कुछ टाइम का 50 रुपया बचते हैं हमारे पास। तो भैया हम सोटी खाने के लिए आए तो छोटू भी बोला क्या इधर आओ, आगे आओ जूस खाना है जूस। तो भैया एक तो गिलास जूस देना घर वाला, तो इनको भी भैया जूस पिला देते हैं और यहीं पिला के बैठते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। तो दादा यहाँ सोटी कितने की मिली, कौन सी मिली थी? बेहतर है सोटी जो पहुँचा था, पहले जो खाया था हम हरदोई मौसम में, उससे बेहतर है सोटी। और ये 40 रुपये यहाँ पे ख़त्म हो गए, तो हमारे पास कितना बचेगा? 30 रुपया बचेगा। तो भाई के यहाँ सोटी खाया और भाई वो बच्चा आ गया तो उसको जूस पिलाया, दोनों मस्त का बच्चे ने बोला जूस भी मस्त है और सोटी हमको काफ़ी टेस्टी लगा। भाई लोकेशन बता दो कहाँ लगा ये दुकान? लोकेशन हमारी ये बड़े वाले झूले के सामने राजा सुपर सोटी, सभी लोग नुमाइश में लगी हुई है हरदोई में। ठीक है भाई, जितने भी लोग देख रहे हो जब भी मेला देखने आओ तो सोफ्टी और जूस यही पियो, क्योंकि ये व्यू पॉइंट है भाई, यहाँ से मस्त दिखता है बड़ा वाला झूला और लोग वो चिल्लाते हैं, वो भी बड़ा आनंदित करता है, मनोरंजित होते हैं आप। तो भाई अब हमारे पास बचा था कितना रुपया, बांझा बचा था, आ गया कितना बचा था? उसके पास कितना बचा था? 20 रुपया बचा था। तो हमने सोचा चलो खाते बता से यहाँ के फेमस बता दें, कहाँ के फेमस बताते हैं बताओ भाई, आ गया लगाए कहाँ हो यार? हाँ भैया इस समय लगे हैं बाराबंकी के फेमस बताते यूपी 30 में हरदोई में, तो नुमाइश आइएगा और यहाँ से बताते खाइएगा, तो खाते हैं 20 रुपये बता से। अभी खा सकता था खाए और फिर भी झूला झूलने को मिल गया, काफ़ी मज़ा आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही तड़कते बढ़ते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।